िन डी एन टेक्नोलॉजी के सीरीज़ uh, में आज हम वेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं वेक्टर्स वो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्लोनिंग और एक्सप्रेशन के कार्यों में ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल की तरह एक्ट करते हैं यानी कैरियर की तरह एक्ट करते हैं ये उसी प्रकार है जैसे मेडिसिन में हम फीमेल एनफ्लीज जो मॉस्किटो है उसको वैक्टर कहते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया मलेरिया के ट्रांसमिशन के लिए उसको वेक्टर कहा जाता है और ये जो इन्फेक्शन है ये एक्चुअली प्लाज्मोडियम के कारण होता है जिसमें कि फीमेल एनेफ्लीज इस ऑर्गेनिज्म uh, को कैरी करता है और ट्रांसफ़र करता है ह्यूमंस में जहाँ ये मलेरिया कॉज करता है इसके बाद जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं वो डिज़ायर डी यानी जो हम चाहते हैं उस डी एन के क्लोनिंग होस्ट सेल में क्लोनिंग के परपजेज़ के लिए यूज होते हैं और एक्सप्रेशन वेक्टर जो है वो होस्ट सेल में डिज़ायर डीएनए के एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होते हैं सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर्स को डिटेल में समझते हैं क्लोनिंग वेक्टर डीएनए के वो स्मॉल पीसेस हैं जिसमें कि जो हमारा डिज़ायर डीएनए यानी फॉरेन डीएनए है उसको जोड़ा जाता है इंसर्ट किया जाता है या इंटीग्रेट किया जाता है और ये जो हमारा रिकॉमेंट डी है वैक्टर के साथ इसको फिर होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और ये जो हमारा होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर है ये कैपेबल होना चाहिए होस्ट सेल में रेप्लिकेशन के लिए और इस ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहिए तो इसको हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सबसे पहले तो जो हमारा क्लोनिंग वैक्टर है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए होस्ट सेल में अपने आप रेप्लिकेट करने की जिससे कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या डिजायर डीएनए है वो भी होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर सके इसका मतलब कि जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए दूसरा उसमें यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मोलिकुलर बायोलॉजी में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनको मोलिकुलर सीजर्स यानी कैंची भी कहा जाता है तो ये साइट्स क्यों होनी चाहिए ताकि जो हमारा उन साइट्स पे कट करके हमारे डिज़ायर डीएनए यानी फॉरेन डीएनए को जोड़ा जा सके मल्टी इनको हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी कहते हैं इन इन जगह रीजन्स को जहाँ पे यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है या फिर कभी कभी हम इनको पॉलीलिंकर साइट भी कहते हैं और इसमें यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एजाइम्स कट कर सकती हैं तीसरा है उसमें प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मार्कर्स उस उनमें जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उनमें जेनेटिक मार्कर्स प्रेजेंट होने चाहिए ताकि ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को सेलेक्ट किया जा सके ये दो प्रकार के होते हैं जेनेटिक मार्कर्स सेलेक्टेबल मार्कर्स और स्क्रीनेबल मार्कर्स चौथा है इनका मॉलिकुलर वेट कम होना चाहिए और इनमें मिनिमल अमाउंट होना चाहिए नॉन एसेंशियल डीएनए का इसका कारण क्या है अगर हमारा क्लोनिंग वेक्टर स्मॉल होगा तो उसमें जो शेयर डैमेजेस होंगे वो कम होंगे स्मॉल साइज़ के कारण दूसरा उसकी मल्टीपल कॉपीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं होस्ट सेल में यानी उसका कॉपी नंबर इंक्रीज हो जाएगा और उसमें किसी एक पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मल्टीपल साइट्स प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी यानी कोई एक रेस्ट्रिक्शन साइट वहाँ उस क्लोनिंग वेक्टर में एक से ज़्यादा जगहों पर कट कर पाए इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी जो हमारे चॉइस है वैक्टर्स की वो डिपेंड करती है कि हमारा जो इंसर्ट है उसका क्या साइज़ है जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है या वेक्टर है उसका कॉपी नंबर कितना है और तीसरा कि उस, कौन सा क्लोनिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं इसके बाद हम जानेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर्स के कितने टाइप्स हैं पहला है प्लाज्मिट वेक्टर्स दूसरा बैक्टीरियो फेज वैक्टर कॉज्मिड फेजमिड फॉजमिड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और टी आई प्लाजमिट अब हम समझेंगे जो हमारे ई e. कोलाई के क्लोनिंग वेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं यानी ईकोलाई e. को ट्रांसफॉर्म करने वाले क्लोनिंग वैक्टर्स कौन कौन से हैं सबसे पहला है प्लाज्मिड वैक्टर्स प्लाज्मिड जो है ये हम सभी जानते हैं जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड हैं वो स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए एन हैं जो कि ऑटोनॉमसली यानी स्वतः ही रेप्लिकेट कर सकता है बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड वेक्टर्स का जो एडवांटेज है वो सबसे पहला तो क्या है स्मॉल साइज है ईजी टू हैंडल दूसरा वो मल्टीपल कॉपीज़ पर सेल में मेंटेन कर सकते हैं यानी इनका कॉपी नंबर ज़्यादा होता है प्लाज्मिट प्यूरिफिकेशन का मेथड इज़ी है और ये स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स जब इतना कि फिफ्टीन किलो बेस पेयर तक के डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रेगमेंट्स को क्लोन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है पाँचवा पॉइंट है कि इसकी जो सिलेक्शन स्ट्रेटजीज हैं ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल को सेलेक्ट करने के लिए वो बहुत ही ईजी हैं इसके बाद जो हमारा प्लाज्मिक क्लोनिंग वेक्टर है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं सबसे पहले तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सके होस्ट के जीनोम में दूसरा उसमें सेलेक्टिव मार्कर्स होने चाहिए फॉर सेलेक्शन ऑफ हमारे सेल्स कंटेनिंग प्लाज्मिक इसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं सेलेक्टिव मार्कर्स उसमें दो प्रकार के हो सकते हैं ट्विन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे कि दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और दूसरा ब्लू वाइट स्क्रीनिंग यानी स्क्रीनेबल मार्कर्स तीसरा है उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए इजी टू आइसोलेट होने चाहिए पोस्ट से और इनका जो साइज रेंज है प्लाजमट वेक्टर्स का वो है वन के बी टू टू फिफ्टी के बी प्लाजमट वैक्टर्स के कई सारे एग्ज़ैम्पल हैं सबसे पहला है हमारा पक एटीन पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू टॉल वैक्टर पक एट पी बी आर थ्री ट्वेंटी सेवन और पक नाइनटीन ये सारे ही एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्लोनिंग इन ईकोलाई यानी ट्रांसफॉर्मेशन इन ईकोलाई में ही जो हमारे वेक्टर्स हैं वो प्लाज्मिड वेक्टर्स वो यूज़ होते हैं प्लाज्मिड वेक्टर्स का डिसएडवांटेज क्या है ये यूज़फुल है ये जो हमारे वेक्टर्स हैं ये यूज़फुल हैं फॉर क्लोनिंग ओनली स्मॉल डी एन ए फ्रेगमेंट्स यानी दस किलो बेस पेयर से ज़्यादा का अगर हमारा डी एन ए डिज़ायर डी एन ए है तो उसकी क्लोनिंग प्लाज्मिड वेक्टर्स में नहीं हो पाती है इसके बाद ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं क्लोनिंग वेक्टर के ये एक्चुअली हमारे इंसर्ट किए जाते हैं प्लाज्मिड की इंजीनियरिंग के दौरान जो नेचुरल प्लाज्मिड है बैक्टीरियल प्लाज्मिड उसको क्लोनिंग वेक्टर बनाने के दौरान मल्टीपल मल्टीपेक्लोनिक साइट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और मार्कर जीन ये सब इंसर्ट किए जाते हैं ये अभी हम आगे समझेंगे सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू का ये भी e. के ट्रांसफॉर्मेशन और क्लोनिंग के लिए क्लोनिंग वेक्टर यूज़ होता है ये क्लोनिंग वेक्टर ईकोलाई प्लाज्मिड पे बेस्ड है ये सबसे पहले डेवलप हुआ था 1977 में पी इंडिकेट करता है प्लाज्मिड बी आर इंडिकेट करता है बोलीवर एंड रोडिक्स थ्री उस लैब में उस जो प्लाज्मिड्स और प्रोड्यूस हुए उसके नंबर हैं जो आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं इसके अलावा पी वी आर थ्री ट्वेंटी फाइव भी है और थ्री ट्वेंटी सेवन भी है जो हमारा पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू है इसका साइज़ है फोर थ्री सिक्स थ्री बेस पेयर ये सर्कुलर है डबल स्टैंडर्ड है और इसका मोलिकुलर वेट है टू पॉइंट एट थ्री इंटू ट्वेंटी पावर सिक्स डाल्टन इसका कॉपी नंबर है इकोलाई में या होस्ट सेल में ट्वेंटी टू थर्टी कॉपीज पर सेल और इसको प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन के द्वारा इंक्रीज किया जा सकता है थाउजेंड टू तो थ्री थाउजेंड जो पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू है अब इसको हम बाकी जितनी चीज़ें हैं वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है हम इस डायग्राम से उसको समझ सकते हैं और हमें एग्ज़ाम के टाइम में अपने आप याद आ जा आ जाएगी जैसे कि जो हमारा पी बी आई थ्री ट्वेंटी टू है पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू उसमें सबसे पहले तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और एक होता है आर ओ पी जीन जो रॉप जीन है ये प्लाज्मिड के पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू प्लाजमिट के कॉपी नंबर को रेगुलेट करता है इसके अलावा इसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं पहला है एम्पी रेजिस्टेंस और दूसरा है टेक्ट्रा रेजिस्टेंट जीन इसमें सिंगल क्लीवेज साइट है इको आर वन की हिंड थ्री की बैम एच वन की साल वन की पी वी यू वन की और पी एस टी वन की तो जो हमारे पी वी यू वन है और पी एच टी वन है ये एम्पीसीन रेजिस्टेंट जीन में इनकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में बैम एच वन और साल वन की रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं प्रेजेंट जो पी वी आर थ्री ट्वेंटी टू है इस जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इंसर्ट किया जाता है और इसको जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है तो ये बेसिकली जो नेचुरली अकलिंग प्लाजमिट्स हैं उन तीन प्लाजमिट से ये बनाया गया है सबसे पहला है आर वन और आर सिक्स फाइव ये जो आर वन है और आर सिक्स फाइव है इससे एम्पिसलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को बनाया गया है और ओरिजिन लिया गया है पी वी आर थ्री ट्वेंटी टू में पी एम बी वन जो नेचुरली अक अकलिंग प्लाज्मिट है उससे इसके बाद दूसरा एग्ज़ाम्पल है हमारा पक एटीन इसके अलावा जो पक की सीरीज़ है इसमें पक एट भी है पक नाइनटीन भी है तो मैंने ये जो एग्ज़ाम्पल लिया है ये पक एटीन का लिया है अगर आपको इसमें किसी और क्लोन प्लाजमिट क्लोनिंग वेक्टर का एग्ज़ाम्पल समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, में मेंशन कर सकते हैं पक एटीन जो है ये एक लैक सेलेक्शन प्लाज्मिड है ये हमारा लैक यहाँ पे डिनोट करता है वही लैक ओपरॉन को जो ओपरन मॉडल में हमने समझा था इसका हम यहाँ से फिगर से समझ लेते हैं पहले पी जो है वो डिनोट करता है प्लाज्मिट को यू सी डिनोट करता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को जो हमारा पक पक एटीन है या पक सीरीज़ के प्लाजमिट हैं ये पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू के ही मॉडिफ़िकेशन से ही डिराइव हुए हैं और जो हमारा पक एटीन है उसका जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो भी पी एम बी वन है इसमें एक जो हमारा मार्कर है सेलेक्टिबल मार्कर वो है एम्पसिलीन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा जो हमारा सेलेक्टेबल मार्कर है वो है लैक्स जेड जीन जो कि कोड करता है एंजाइम बीटा गलेक्टोसाइडेज को जो हमारा पक 18 है उसका साइज़ हमारे पी 322 से काफ़ी कम है जैसे कि हम देख सकते हैं 2686 सिक्स एट सिक्स बी बेस पेयर ही है यानी 2.69 पॉइंट सिक्स नाइन बेस पेयर इसके बाद इसका कॉपी नंबर भी पी 322 से कहीं ज़्यादा है जो हमारा लैक जेड जीन है उसमें आप यहाँ पे देखिए जो हमारा लैक जेड जीन है उसमें एक पॉली लिंकर रीजन है जो कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट है कई सारे एंजाइम्स के लिए जो हमारा पक एट है वो पक एटीन से इसी मल्टीपल क्लोनिंग साइट या पॉलीलिंकर रीजन में डिफ़र करता है पक एटीन में ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स या पॉलीलिंकर रीजन में जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहीं ज़्यादा हैं पक एट से इसके बाद जो हमारा अगर हमारे इस पॉलीलिंकर साइट रीजन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके डिज़ायर डीएनए को इंसर्ट किया जाएगा तो ये हमारा जो लैक जेड जीन है जो कि बीटा गलेक्ट्रोसाइडीज एंजाइम को कोड कर रहा है इस ये क्या होगा डिस्टर्ब हो जाएगा जिसकी वजह से ये इनएक्टिवेट हो जाएगा और इसके इनएक्टिवेशन के कारण जो ब्लू कलर ऑप्टेन होता था उसकी जगह वाइट कॉलोनीज बन जाएंगी क्योंकि जो हमारा वो है एंजाइम है वो एक्ट नहीं कर पाएगा एंडोन्यूक्लियस के एक्शन के कारण इसके बाद जो जम्पीसिलीन रेजिस्टेंस जीन है वो परमिट करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल और रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन के लिए जो हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है यानी डिजायर डीएनए के इंसर्शन के कारण जो बीटा गलेक्ट्रोसाइडीज जीन इनएक्टिवेट हो गया है उससे सेलेक्ट किया जाता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल को जो हमारे पक एटीन प्लाज्मेड हैं उनमें आर ओपी जीन भी एबसेंट है और इस आर ओपी जीन के एबसेंट होने के कारण जो हमारा रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिक का जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो जाता है जिसके के कारण कॉपी नंबर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जो हमारा रेप्लिकेशन का कंट्रोल है वो कम हो गया है यानी लूजन हो गया है इसके बाद मैंने लिया है इसके बाद और एग्जांपल्स अगर आप लोगों को समझने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि कौन से प्लाजमिक क्लोनिंग वेक्टर को आपको डिटेल में समझना है इसके बाद है हमारा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोज़ोम ये भी हमारा एक प्लाज्मिक क्लोनिंग वेक्टर है जो कि कोलाई e. के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है बट ये जो हमारे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है इसमें जो हमारा डिज़ायर डीएनए है वो काफ़ी बड़ा हम डिज़ायर डीएनए क्लोन कर सकते हैं ये जो बैक वेक्टर है ये बेस्ड है फंक्शनल फर्टिलिटी प्लाज्मिट पे ये बैक्टीरियल प्लाज्मिट का जो चैप्टर मैं ऑलरेडी वीडियोस पे बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको आज के वीडियो के एंड में मिल जाएगा तो जो ये बैक वेक्टर्स हैं ये बेस्ड हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिट पे जो कि यूज़ होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इकोलाई में जो बैक क्लोनिंग वैक्टर्स हैं इनको डेवलप किया था मेल सिमोन ने और उनके कोलीग्स ने नाइनटीन में एफ़ प्लाजमिट जो है वो एक क्रूशल रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें पार्टीशन जीन होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ एफ प्लाजमिट इन बैक्टीरियल सेल आफ्टर सेल डिवीजन यानी सेल डिवीजन के दौरान ये एफ़ प्लाजमिट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डॉटर सेल्स में ये एफ़ प्लाजमिट इसलिए क्रूशल रोल प्ले करते हैं पार्टीशनिंग ऑफ जीन्स में इसके बाद जो हमारा बैक क्लोनिंग वेक्टर्स हैं वो फिफ्टी से थ्री फिफ्टी के बी डी एन ए साइज़ इनमें क्लोन हो सकता है यानी जो डिज़ायर डी एन ए वो काफ़ी ज़्यादा है फिफ्टी से थ्री फिफ्टी के भी जो बैक वैक्टर्स हैं वो ईकाई e. में मेनटेन होते हैं एज अ सिंगल कापी प्लाजमेट इनका कॉपी नंबर क्या होता है वन क्योंकि ये सिंगल कापी प्लाजमेट क्लोन होते हैं और जो बैक वेक्टर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं कई सारे कंपोनेंट्स जो हम अभी समझेंगे सबसे पहला है रैप ई -E, ये प्लाज्मिक रेप्लिकेशन और रेगुलेशन ऑफ कॉपी नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है दूसरा पार ए और पार बी ये पार्टीशनिंग ऑफ एफ प्लाज्मिक इनटू डॉटर सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा स्टेबल मेंटेनेंस हो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम का क्योंकि एफ़ प्लाजमिन में हमने डिज़ायर डीएनए को क्लोन किया है तो ये पार्टीशनिंग जो जीन्स हैं ये क्या करते हैं डॉटर सेल्स में भी हमारा बैक जो है वो ट्रांसफ़र हो इसलिए ये रोल प्ले करते हैं तीसरा है सेलेक्टिवल मार्कर्स जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी हो सकता है और कुछ बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोजोम में लैक जेड क्लोनिंग साइट्स भी प्रेजेंट होती हैं फॉर ब्लू वाइट सेलेक्शन इसके अलावा इसमें टी सेवन और एस पी सिक्स प्रमोटर्स प्रजेंट होते हैं फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंसर्टेड जीन्स इसके बाद हम जानेंगे कि बैक के क्या एप्लीकेशन्स हैं सबसे पहले तो ये इनिशियली यूज़ होता था जी नोम की सिक्वेंसिंग के लिए बाद में इसमें क्या किया जाता था कि शॉर्ट पीसिस ऑफ जो ऑर्गेनिज़म के डी एन ए हैं उनके शॉर्ट पीसेस बैक में क्लोन किया जाते थे और उनको सिक्वेंस किया जाता था लेकिन आज कल क्योंकि शॉर्ट गन सिक्वेंसिंग भी काफ़ी ईजी प्रोसेस है तो अब बैग का यूज़ नहीं किया जाता इसलिए आजकल जो है वो बैग का यूज़ होता है मॉडलिंग जेनेटिक डिज़ीज़ और इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए या उनको स्टडी करने के लिए उसके लिए क्या किया जाता है और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़म का डी एन में क्लोन कर दिया जाता है इनको हम कहते हैं इन्फेक्शस डी और इन इसके बाद इन बैग को होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म करके इसकी इन्फेक्शस प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाता है कई सारे वायरसेस की इन्फेक्शस प्रॉपर्टी बैक के द्वारा स्टडी की गई है जैसे हर्पीस वायरस और पॉक्स वायरस इसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे कि जो ई e. कोलाई के वेक्टर्स जो कि वायरल डीएनए पे बेस्ड हैं वो कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में अगर आपके कुछ भी क्वारीज या क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए